गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं ले रही हूं क्लास प्रथम कक्षा फर्स्ट स्टैंडर्ड, विषय है हिंदी। ओके तो बच्चों, आपको मैंने कल कौन सा कविता पढ़ाया है बोलो। इस कविता का नाम क्या है बोलो? आम की टोकरी, आम की टोकरी। ओके तो बच्चों, मैंने आपको बोला था एक जो कविता है ना, आपको बाइट करने के लिए बोला था। ओके तो आपने बाइट किया, यहां देखो ये आम की टोकरी जो कविता है ना, किसने लिखा है? रामकृष्ण शर्मा खद्दर, रामकृष्ण शर्मा खद्दर। ओके तो बच्चों, इस कविता में एक जो बच्ची है ना, कितने साल की है बोलो? कितने साल की है? 6 साल की। और वो क्या करती थी? नियमित रूप से आम बेचती थी, नियमित रूप से आम बेचती थी। आम टोकरी में, टोकरी यानी ये देखो, ये टोकरी में आम लेके वो बेचने जाती थी। सब लोग उसका आम देख के उसे बुलाते थे, आओ यहाँ आओ आओ ऐसे बुलाते थे, लेकिन बुलाते थे और उसका नाम भी पूछते थे। लेकिन वो बच्ची ने क्या कर, बच्ची क्या, वो लड़की है ना, वो क्या की, वो उसने क्या किया, अपना नाम नहीं बताया। वो सभी लोगों को बुलाकर बुलाकर ऐसे बुलाती थी, आओ आओ आम आए हैं। सब लोग उसे उसका नाम पूछने का प्रयास करते थे, लेकिन आम उसका नाम वो उसने नहीं बोला। जब उसके आम सभी लोगों ने देखा तो उसका नाम पूछना बंद करके उसका आम चूसने का यानी आम खाने का मन बनाया, क्योंकि उसके आम बहुत अच्छे थे, इसलिए उसका नाम नहीं पूछना, अब नहीं पूछना, हमें आम ही चूसना, अब तुम्हारा नाम नहीं हमें पूछना है, हमें तो अब आम चूसना है। ओके तो बच्चों, आपको मैं एक गाना सिखाती हूँ, आप भी मेरे इसी तरह से बोलिए। कैसे? ए दो बार ऐसा बोलना है, जैसे कि हर एक स्टांजा दो दो बार बोलना है। ओके देखो, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। यानी बच्चों, छोकरी यानी लड़की, ये लड़की, टोकरी यानी ये देखो आम जिसमें उसने डाला है ना, उसे टोकरी बोलते हैं। दाम यानी कीमत, दाम यानी आम खरीदने के लिए कीमत, इसका कीमत, इसे पैसे देना होता है ना, कीमत। ओके अब मैं बच्चों, आपको मैंने एक इस तरह से बोलना है, आपको कविता गाना है, आपको मैंने सिखाया है। ओके इसी तरह से आप भी बाय हार्ट करो। ओके इसमें 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, 6 साल की बच्ची है, भरकर लाई टोकरी यानी आम भरकर लाई है, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, यानी टोकरी में आम है लेकिन उसका दाम नहीं बता रही है वो। ओके दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, उस सबको दिखा रही है मेरे पास टोकरी में आम है, आम है,
सभी को अपने ओर बुला रही है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नामे। आम तो देने का प्रयास कर रही है लेकिन अपना नाम नहीं बता रही है। सभी उसका नाम पूछना चाहते हैं लेकिन उसको अपना नाम नहीं बताना है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। वो क्या करती है, अब वो क्या करती है कि अब तुम्हारा नाम नहीं है हमें पूछना, आप तुम्हारे पास जो आम है ना वो खाना है हमें। ओके, अब मुझे बच्चों यहाँ देखो, इसमें आपको पीछे एक ऐसा और एक लड़की लड़की का चित्र बनाया है। यहाँ टोकरी बनाना है, उसमें आम लिखना है, यानी ड्रॉ करना है। ओके, तो बच्चों आपको मैंने रिमझिमवन में से ये कविता समझाया है, आप भी बाय हार्ट करना है। लाइव क्लास में आपको मैं इस कविता के बारे में पूछने वाली हूँ। ओके, तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाली हूँ व्यंजन। कल मैंने व्यंजन कौन सा लिया था, प फ ब भ म। तो आज मैं व्यंजन लेने वाली हूँ, कौन सा व्यंजन है बच्चों, यहाँ देखो, य र ल व श, य र ल व श। ओके, आप भी ऐसे ही लिख सकते हो, य र ल व श, य र ल व श। ओके, य र ल व श, 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 य र ल व श। ओके, नेक्स्ट अ से लेके आ तक, जैसे कि अ आ ई ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। ओके, नेक्स्ट बच्चों क से लेके श तक, क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ। देखो बच्चों, ट ट के बाद कौन सा व्यंजन आता है बोलो,
ट के बाद कौन सा व्यंजन आता है बोलो जल्दी। ट ठ ड ढ न्य। ट थ ड ध न। ओके त थ द ध न। प फ ब भ म। ओके प फ ब भ म। य र ल व श। ओके तो बच्चों आपको मैंने क ख ग घ न च छ ज ज न ट ट ड ड न त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व श तक व्यंजन पढ़ाया है। ओके तो बच्चों अब आपको मैं रीडिंग देने जा रहे हूँ। रीडिंग जैसे कि यहाँ देखो हिंदी रीडर में से आपको भी ओपन करना है। जैसे कि देखो अ से अक्षर परिचय स्वर। अक्षर परिचय स्वर आप भी मेरे साथ बोलिए। अ से अनार, अ से अनानास, अ से अजगर, अनार पोमोग्रेनेट, अनानास पाइनएप्पल, अजगर पाइथन, आ से आलू, आ से आम, आ से आग, आलू पोटैटो, आम मैंगो, आग फायर, ई से इमली, ई से इमारत, ई से इकतारा, इमली टैमरिंड, इमारत बिल्डिंग, इकतारा वन स्ट्रेंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ई से ईक, ई से ईद, ई से ईट, ईक शुगर केन, ईद ईद ब्रिक, ईट ब्रिक। ओके नेक्स्ट ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन, उल्लू आउल, उपहार गिफ्ट, उपवन गार्डन, ऊ से ऊन, ऊ से उदबिलाव, ऊ से उंट, ऊन उल, उदबिलाव ऑर्डर, उंट कैमल, रू से ऋषि, ऋषि शेज। नेक्स्ट ए से एडी, ए से एक्सरे, ए से एक, एडी हिल, एक्सरे एक वन। ओके आई से ऐनक, आई से ऐरावत। ओके ऐरावत ऐनक स्पेक्टेकल्स, ऐरावत माइथोलॉजिकल एलिफेंट ऑफ लॉर्ड इंद्रा। ओ से ओखली, ओ से ओट, ओ से ओस, ओखली वॉटर, ओट लीफ, ओस ड्यू। औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध, औरत वुमन, औजार इंस्ट्रूमेंट, औषध मेडिसिन। अम से अंगूर, अम से अंबर, अम से अंडा, अंगूर ग्रेप्स, अंबर स्काई, अंडा एग। तो बच्चों आपको मैं आज स्वर ही स्वर तक पढ़ाया है, उसके अंग्रेजी मीनिंग जो है ना वो भी आपको बाहर करना है। ओके जैसे कि उसे उल्लू, उल्लू मीन्स आउल। ओके अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट टुडेज क्लास फिनिश एंड टुडेज टू पेज होमवर्क, वन पेज यू राइट। आप यहाँ लिख सकते हैं यरल अवर से एक पेज लिख सकते हो, और वन पेज अ से लेके आहा तक, क से लेके श तक। ओके आज का क्लास खत्म होता है, धन्यवाद।